नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको दशम श्रेणी से रामदास नामक कविता का सारांश समझाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। तो उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 25 खोलिए। सबसे पहले तो जीवन परिचय से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रघुवीर सहाय जो हैं, उनका जन्म 9 सितंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1929 लखनऊ में हुआ था। तो उन्होंने अपना एजुकेशन मतलब एमए कंप्लीट करने के बाद तो वे क्या करते हैं, उन्होंने जब पूरी शिक्षा कंप्लीट कर ली, पूरी की, तो उन्होंने तब नव भारत टाइम्स, नाम सुना होगा नव भारत टाइम्स एवं दिनमान नामक जो साप्ताहिक आपका मैगजीन है, उनका उन्होंने संपादन किया था। ठीक है, दिनमान साप्ताहिक में उन्होंने संपादन का काम किया था। इसके अलावा नवभारत टाइम्स के साथ भी वे जुड़ गए। तो उनकी जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कौन सी काव्य संग्रह है लोग भूल गए, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना। इसके अलावा उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर सीढ़ियों पर धूप आदि जो हैं उनकी प्रतिष्ठित कृतियां हैं। तो ये नाम सब आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो उनकी जो कहानी संग्रह है रास्ता इधर से है, वो काफ़ी चर्चित कहानी है। तो अब देखो, ये जो रामदास है ये बहुत ही सरल एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, छोटी सी कविता है, बहुत ही उत्तम कविता है। और यहाँ पर आजकल की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में क्या है इसमें दर्शाया गया है। सामाजिक व्यवस्था इन द सेंस, देखो यहाँ पर जो आम दिन आप लोग अखबार में पढ़ते हो, खबर में देखते हो, टीवी में देखते हो कि आपका क्या बताएं कि आए दिन क्या हो रही है, हत्या हो रही है, पर हत्यारा कोई पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि देखो हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हत्यारा जो है वह आता है, हत्या करके चला जाता है, मगर उसे कोई रोकता भी नहीं है। सभी को अपनी जान की चिंता रहती है, सभी क्या है अपने बारे में सोचते हैं, तो जिसके कारण हत्यारा क्या है किसी को मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। आराम से आता है, हत्या करता है, चला जाता है, लोग देखते हैं मगर कोई अपना मुंह नहीं खोलते। जो प्रशासन है वह भी हथियारा जो हथियारे होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक आम व्यक्ति है रामदास, तो उसकी जो है इस जो कविता में हम पढ़ते हैं उसकी हत्या होगी ऐसा ऐलान कर दिया गया था। हथियारा ने क्या ऐलान कर दिया था कि उसकी हत्या होगी। और उस दिन वह काफ़ी उदास था, रामदास काफ़ी उदास था, क्योंकि उस दिन उसकी हत्या होने वाली थी। वह रास्ते पर निकल पड़ता है, वह सोचता अगर घर पर वह रहेगा तो हथियारा आकर क्या करेगा, शायद उसके परिवार वालों को भी मार सकता है। वह काफ़ी चिंतित है, बीच सड़क पर वह अकेला ही चल रहा है। वह एक बार सोचता है किसी लोग को ले ले, फिर वह देखता है आसपास तो काफ़ी लोग हैं शायद, और सभी निहत्ते हैं, शायद हत्यारा उसकी हत्या नहीं करेगा। मगर हत्यारा आता है, उसे पुकारता है, उसका नाम लेकर पुकारता है, और फिर क्या करता है उसे छुरा घोंप देता है, हत्या करके वहाँ से चला जाता है। जो दर्शक है मतलब वहाँ पर देखने वाले जो इतने लोग थे, कोई कुछ नहीं कहता, कोई उसे नहीं रोकता, और सभी के सामने क्या है वह रामदास जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग देखते रहते हैं मगर कोई मुंह नहीं खोलता, बल्कि यही पूछते हैं भाई किसी को मालूम है कि हत्यारा कौन है, किसने मारा है, जबकि सबको मालूम होता है, इसके बावजूद भी कोई अपना मुंह नहीं खोलता। तो पृष्ठ संख्या 26 खोलो। देखो रामदास, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया था, पास था, उसे बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। तो देखो रामदास जिस सड़क से चल रहा था वह रास्ता कैसी थी, चौड़ी थी,
पतली थी। दिन का समय था, बादल छाए हुए थे और रामदास उस दिन क्या था, काफ़ी उदास था। उदासी का कारण क्या था कि उसे बता दिया गया था कि उस दिन उसकी हत्या होगी। अंत समय आ गया था, यानी उसे बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी, अंत समय आ गया था, इसीलिए वह काफ़ी उदास था। उसे क्या बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी, इसीलिए वह काफ़ी उदास था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। तो वह धीरे धीरे अकेला चल रहा था। अकेले चलने का कारण क्या था कि वह सोचता है कि अगर वह मतलब क्या है, अगर घर पर रहे तो उसकी परिवार वालों को हानि हो सकता है, इसलिए वह अकेला ही रास्ते पर चल पड़ता है। वह सोचता है रास्ते में तो काफ़ी लोग हैं, ठीक है, तो शायद हत्यारा उसकी हत्या नहीं करेगा। धीरे धीरे चला अकेले, तो वह अकेला ही रास्ते पर चल पड़ता है। सोचा साथ किसी को ले ले, वह डर रहा था, घबरा रहा था, सोचा किसी को अपने साथ ले ले, अपने दोस्तों को साथ ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे। फिर वह सोचता है सड़क पर तो सब हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग जब हैं तो उसे कोई खतरे की बात नहीं है। सभी मौन थे, सभी निहत थे, जो भी लोग थे सभी कैसे थे, सभी चुपचाप थे, सभी निहत थे। वह देखता है कि किसी के हाथ में कोई औजार नहीं है, सभी चुपचाप उसे घूर घूर कर देख रहे थे। कारण क्योंकि लोगों को भी मालूम है कि उसकी हत्या होगी, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। तो सभी लोग क्या जानते थे कि उसकी हत्या होगी, किसकी हत्या होगी, ना रामदास की हत्या होगी, सभी इंसान को वहाँ पर मालूम था और सभी क्या कर रहे थे, उसी की ओर देख रहे थे। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रखकर के आए, लोग सिमट कर आँख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। तो वह जो है कौन, रामदास सड़क के बीच पर खड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ कहाँ पर थे, उसके पेट पर था। वह दोनों हाथ कहाँ रखा हुआ था, पेट पर रखा हुआ था और वह बहुत सावधानी से पैर बढ़ा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और जो आसपास लोग थे सभी क्या कर रहे थे, रामदास की ओर घूर घूर कर देख रहे थे। सभी क्या है, आँख गड़ाए रामदास को देख रहे थे क्योंकि यह तय हुआ था कि उसकी हत्या होगी। तो जिसकी हत्या होगी सब उसकी ओर क्या है, घूर घूर कर देख रहे थे। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो क्या है, गली से तभी क्या होता है, गली से क्या है, जो हत्यारा है वह निकलता है और निकल कर क्या है, लोगों के बीच पुकारता है कि रामदास कौन है। और जब उसे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति, मतलब वह व्यक्ति रामदास है, तो वह हाथ उठाता है और क्या करता है, हाथ उठाकर उसके शरीर पर चाकू घोंप देता है। हाथ तौल कर क्या है, मेजरमेंट लेकर फिर क्या करता है, हाथ उठाता है और चाकू उसके सीने पर लगा देता है। और फिर क्या है, खून का लहू का फव्वारा जो है वह बहने लगता है। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो हत्यारा जो है वह तो पहले ही बता चुका था कि उसकी हत्या होगी और उसके कहे अनुसार वह क्या करता है, भरी सभा में मतलब सब लोगों के बीच में आकर उसकी हत्या करके चला जाता है। लास्ट पैराग्राफ देखो, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया हुआ, मतलब जो हत्यारा था,
वह क्या करता है, भीड़ को ठेल देता है हटाकर, और वहाँ से क्या करता है, रामदास को मार के चला जाता है। सब लोग देखते रह जाते हैं, कोई उसको नहीं पकड़ता। रामदास जो है वह मरा पड़ा हुआ रहता है। देखो देखो बार बार कह, सब लोग क्या कह रहे थे, अरे अरे देखो रामदास को मारकर चले जा रहा है हत्यारा, मगर कोई उसको नहीं पकड़ता। कारण क्या था, सभी को अपनी जान की परवाह है, सब डरते हैं और कोई उसको नहीं पकड़ता। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। सब लोग एक दूसरे की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं और बोलते हैं, देखो हत्यारा मारकर चला गया। और लोग क्या पूछते हैं एक दूसरे से, क्या तुम हत्यारे को जानते हो? तो यहाँ पर यही कहा गया है कि प्रशासन ऐसा है, मतलब हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हत्यारा आकर मारकर भी चला जाता है, तो क्या है, कोई अपना मुंह जो है वह नहीं खोलता। ठीक है, हमारे यहाँ सब चुप रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश में जो है हत्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है, सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जा रही, हमारे देश की हालत बुरी होती जा रही है। क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, और सभी को अपनी जान की चिंता होने के कारण क्या करते हैं, कोई हत्यारा के बारे में कोई मुंह तक नहीं खोलता। पुलिस भी जब आती है, मतलब खबर लेती है हत्यारे के बारे में, जानते हुए भी हथियार, मतलब लोग क्या है, अपना मुंह नहीं खोलते। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सीधी साधी एकदम सरल कविता है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।